ये देखिए मसाला थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लग गया है इसका मतलब ये मसाला पक गया है friends, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में मेरा नाम है मनीषा आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न बटर मसाला इसके लिए मैंने लिया है एक कप स्वीट कॉर्न पच्चीस ग्राम बटर तीन प्याज तीन टमाटर दो हरी मिर्ची दो टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टी स्पून जीरा कुछ हमने ड्राई मसाले लिए हैं तेज पत्ते दो थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा इलायची ली है हमने दो लौंग दो काली मिर्ची चार पांच हींग हमने थोड़ी सी ली है साथ में हम लेंगे नमक स्वादानुसार लाल मिर्ची स्वादानुसार हल्दी वन फोर टी स्पून और गरम मसाला हाफ टी स्पून साथ ही इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम प्याज और टमाटर का मिक्सी में चला के एक पेस्ट बनाएंगे। और हरी मिर्ची को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे ये टमाटर और प्याज को पीस के मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है हरी मिर्ची भी हमने कट कर ली है अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ और शुरू करते हैं सब्जी को बनाना अब हम सबसे पहले कढ़ाई में आधा बटर डालेंगे जो बटर हमने लिया था उसका आधा हमने कढ़ाई में डाला है बटर मेल्ट हो गया है अब इसमें हम स्वीट कॉर्न डालेंगे बटर को स्वीट कॉर्न के साथ लगभग एक मिनट तक अच्छे से मिक्स होने देंगे बटर और स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे कॉर्न मैंने निकाल लिया है अब इसी कढ़ाई में हम एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे तेल गरम हो गया है इसमें अब हम सबसे पहले डालेंगे जीरा इसको थोड़ा सा चलाएंगे अब इसमें डालेंगे खड़े मसाले तेज पत्ता दालचीनी लौंग काली मिर्ची और इलायची इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे। अब इसमें डालेंगे लसन अदरक का पेस्ट अब इसमें मिला देंगे प्याज इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग दो से तीन मिनट तक इसको भुनेंगे प्याज हल्का हल्का भुन गया है अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची इसको थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें डालेंगे टमाटर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भुनेंगे अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें डालेंगे हल्दी लाल मिर्ची गरम मसाला और ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब सब मसालों को अच्छे से हम भुनने देंगे ये देखिए मसाला थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लग गया है इसका मतलब ये मसाला पक गया है अब इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसको लो फ्लेम पे छोड़ेंगे उबाला आने के लिए मसाले में अच्छे से उबाला आ गया है ये देखिए हमें इतना गाढ़ा रखना है इसको अब इसमें हम स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स होने देंगे ये अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे ये बटर कॉर्न मसाला बनकर तैयार हो गया है इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब ये बटर कॉर्न मसाला है तो इसमें बटर डालना तो बनता है अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर अब इसको हम धनिया से गार्निश कर देंगे आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें थैंक यू